हेलो दोस्तों, दिस इज अजय बंसल एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स स्कूल में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। पहले फीचर की बोल रहे हैं, एक कंट्री फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है, एक कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है, या फेडरलिज्म में कम से कम दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट होने के लिए क्या जरूरत है? सबसे पहला की फीचर फेडरल गवर्नमेंट का है कि जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो या तो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। हम कह सकते हैं मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिस कंट्री में होते, तो वो कंट्री क्या कहलाती है? फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। सेकेंड की फीचर फेडरल गवर्नमेंट का क्या है? ईच लेवल गवर्न्स सेम सिटीजन्स, हैव इट्स ओन ज्यूरिडिक्शंस इन टैक्सेशन, लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चा, किसी भी कंट्री के फेडरल गवर्नमेंट होने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है या जिस कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट होती है, वहां पे सेम सिटीजन को मोर देन वन गवर्नमेंट क्या करती है? रूल करती है। जब एक ही सिटीजन को एक से ज्यादा गवर्नमेंट रूल करती है तो वो गवर्नमेंट क्या कहलाती है? फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। हर ईच एंड एवरी जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है, उनका खुद का अपना ज्यूरिडिक्शन होता है। इन केस ऑफ टैक्सेशन ले लीजिएगा, इन केस ऑफ लेजिस्लेशन ले लीजिएगा, या इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट कब कहलाती है? जब वहां पे एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जब सभी लेवल्स का अपना एक खुद का ज्यूरिडिक्शन होता है टैक्सेशन, लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक से ज्यादा गवर्नमेंट सेम सिटीजन को क्या करती हैं? रूल करती हैं। आप इंडिया में ही ले लीजिएगा, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और क्या लोकल गवर्नमेंट है, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा गवर्नमेंट रूल कर रही है। अगर आप बदायूं में रह रहे हैं तो एक तो आपको बदायूं की गवर्नमेंट रूल कर रही है लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी, उसके बाद आपको बदायूं यूपी में है तो स्टेट गवर्नमेंट आपको रूल कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको रूल कर रही है। ठीक है, इसका थर्ड फीचर जो गवर्नमेंट का दिया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट का, फेडरलिज्म का, बोले ज्यूरिडिक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है तो फेडरल गवर्नमेंट की जो ज्यूरिडिक्शन होता है, अब ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है बच्चे? ज्यूरिडिक्शन का मतलब है एरिया ऑफ वर्क। जो एरिया ऑफ वर्क होता है ईच लेवल का कहां पर स्पेसिफाई होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मालूम पड़ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या ज्यूरिडिक्शन होगा। ठीक है कि नहीं? इस सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या ज्यूरिडिक्शन होगा। इसके बाद हम बात करें थर्ड या फोर्थ फीचर की फेडरल गवर्नमेंट की। तो बच्चा, फोर्थ फीचर फेडरल गवर्नमेंट का कहता है कि फेडरल फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज थ्रू अ कंसेंट ऑफ बोथ लेवल। फेडरल गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी खासियत है बच्चा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन में कोई भी चेंज करना है, फंडामेंटल प्रोविजन में कोई भी चेंज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ये काम नहीं कर सकती है। उसको कोई भी प्रोविजन में चेंज करना है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी होगी। आगे बच्चा बस उनमें, इसके बाद कहते हैं कि हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज अ एम्पायर इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल। बोल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की खासियत होती है कि अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, तो हाईएस्ट कोर्ट होती है उस कंट्री की, वो उसमें एम्पायर का काम करती है, डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने का काम करती है, मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने का राइट होता है हाईएस्ट गवर्नमेंट को। इसके उच्च बाद बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के नेक्स्ट फीचर की। तो लिखा हुआ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड ऑफ ईच लेवल। फेडरल गवर्नमेंट की ये भी एक खासियत होती है कि किस गवर्नमेंट का क्या सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, कौन सी गवर्नमेंट कहां से अर्निंग्स करेगी, वो सारी की सारी चीजें स्पेसिफाइड होती हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली इन चीजों के बारे में लिखा होता है कि कौन सी गवर्नमेंट का कौन क्या सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहेगा, कहां से वो इनकम जनरेट करेंगी। इसके बाद लास्ट फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बच्चा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव होता है सेफगार्ड प्रोवाइड करना एंड प्रमोट द यूनिटी इन अ कंट्री। कंट्री में यूनिटी को प्रमोट करना, कंट्री के लोगों को सेफगार्ड प्रोवाइड करना एंड मेंटेन रीजनल डायवर्सिटी। और रीजनल डायवर्सिटी जो डिफरेंट रीजन्स के रिलीजन्स के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, रीजन्स के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, उन सबके बीच डायवर्सिटी को मेंटेन करने का काम किसका होता है? फेडरल गवर्नमेंट का होता है।
ठीक है बच्चे, एक बार जल्दी से, बहुत जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स को। टू और मोर देन गवर्नमेंट्स होना चाहिए। ईच गवर्नमेंट जो होती है सेम लेवल ऑफ सिटीजन को रूल करती है। इनका खुद का अपना जुडिक्शन होता है, टैक्सेशन, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। जो जुडिक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होती है। किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को अगर चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना होगा। इसके बाद हाईएस्ट कोर्ट जो होती है डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। और इसके बाद कहें सोर्सेज और रेवेन्यूज जो होते हैं वो क्लियरली स्पेसिफाई होते हैं ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट के। एंड ऑब्जेक्टिव फेडरल गवर्नमेंट का क्या होता है बच्चा? फेडरल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कंट्री में सेफगार्ड प्रमोट करना, यूनिटी को प्रमोट करना एंड रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। ठीक है बच्चा, तो ये तो होगा फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अब हम जल्दी से देखते हैं कि भी इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है या नहीं है। तो बच्चा इंडिया में तीन लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया में पहला फीचर देखने को मिलता है। सेकंड, इंडिया में जो जुडिक्शन है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है। यहाँ इंडिया में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन तीन फोर लिस्ट दी गई है। यूनियन लिस्ट है, कंकोवेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड रेजिडुअल लिस्ट है। इसमें सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में, जुडिक्शन के बारे में लिखा गया है। तो ये भी फीचर इंडिया की गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। जो इंडियन गवर्नमेंट की जो जुडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। तो ये भी फीचर इंडियन गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट का ये भी फीचर हमारे यहाँ देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन में चेंज करना है तो दोनों हाउसेज, जो बोथ हाउसेज होते हैं बच्चा, बोथ हाउसेज में कम से कम 2/3 मेजोरिटी के साथ उनको अपना बिल पास कराना होगा। और उसके बाद टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कम 50% कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कंसेंट लेनी होगी अपनी सपोर्ट में, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रोविजन को क्या कर सकती है हमारे यहाँ चेंज कर सकती है। तो ये भी जो फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करने का प्रोसीजर है वो भी हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये थर्ड फोर्थ पॉइंट भी जो फर्स्ट फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का, ये भी इंडिया में देखने को मिलता है। इसके बाद बच्चा अगर हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, या कोई भी दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज होते हैं, तो उनको रिजोल्व करने का काम हमारे सुप्रीम कोर्ट का है। किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का। और जैसा कि फिफ्थ फीचर कहता है कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री होती है वो डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने में हेल्प करती है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करता है। तो ये भी फीचर हमारे देखने को मिलता है, फिफ्थ फीचर। अब फोर्थ फीचर यहाँ पे कहता है कि भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू सबके क्या होते हैं? स्पेसिफाइड होते हैं। तो हमारे यहाँ जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट में सबके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के बारे में भी चर्चा की गई है। तो ये फीचर भी, सिक्स फीचर भी फेडरल गवर्नमेंट का इंडिया में देखने को मिलता है, इंडियन गवर्नमेंट में। एंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव जो होता है, फेडरल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जो होता है सेफगार्ड प्रोवाइड करना, यूनिटी को प्रमोट करना, रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना होता है। तो अगर हम अपने यहाँ कंट्री की बात करें, हमारे इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का लास्ट और सेवेंथ फीचर भी देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट है। बट बच्चा हम आपको बताना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट तो है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में भी इंडियन गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है? क्वेजी फेडरल गवर्नमेंट है। क्वेजी फेडरल गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि बच्चा फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए वो सारे के सारे लेवल्स कैसे होना चाहिए? वो सारे के सारे लेवल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और कहते हैं कि सबकी जो पावर्स कैसी होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, इंडियन गवर्नमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट तो है, लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा पावर्स दी गई हैं इन कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी सारी स्टेट्स पे इक्वल पावर नहीं है, बल्कि कुछ स्टेट्स कैसी हैं जिनके पास कुछ ज्यादा पावर है, स्पेशल पावर्स हैं। जैसे कि आप जम्मू एंड कश्मीर को ले लीजिएगा जो अभी तक कुछ समय तक थी, या आप नागालैंड को ले लीजिएगा, इनके पास स्पेशल पावर्स हैं। तो इस सेकंड फीचर भी फेडरलिज्म का पूरा देखने को नहीं मिलता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट फुल्ली फेडरल नहीं है, क्वेजी फेडरल है। ठीक है बच्चों, बच्चों होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।